सन्नाटा भरती स्कॉर्पियो कार। आग उगल रही है, उसमें चिंगारी भड़की हुई है। ये नजारा देखते ही स्कॉर्पियो के पीछे आ रहे बाइक सवार लोग चिल्ला रहे हैं, तो कुछ अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो का सच जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है, जहां सिरसागंज के कटफोरी के पास एक स्कूटी सवार को सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार सड़क के एक साइड गिर गया, लेकिन उसकी स्कूटी स्कॉर्पियो में ही फंसी रह गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार अपने घर से बाजार सामान लेने गया था, तभी रास्ते में उसके साथ ये हादसा हो गया। हैरानगी की बात तो ये है कि स्कॉर्पियो सवार स्कूटी को घसीटते हुए 15 किलोमीटर तक ले गया। ये देखते ही हर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने गाड़ी की स्पीड कम करने के बजाय और फुल कर दी और तेज रफ्तार में कार को दौड़ाते रहे। वो रुके नहीं, इस दौरान स्कूटी के दोनों टायर घिस गए और घसीटते घसीटते उसमें से चिंगारी निकलने लगी। जब इस घटना की सूचना फिरोजाबाद पुलिस को मिली तो सिरसागंज पुलिस के साथ साथ इटावा मैनपुरी पुलिस की गाड़ियां भी स्कॉर्पियो सवार के पीछे लग गई। जसवंत नगर के पास बड़ी मुश्किल से स्कॉर्पियो को दबोचा गया, जिसमें तीन युवक थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इटावा जिले की जसवंत नगर पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल, बिरपाल और कौशलेंद्र है, जो कि नशे की हालत में कार चला रहे थे। फिलहाल जसवंत नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को सिरसागंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।